हमारे करौली में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए छात्रावास है। छात्रावास में कई आसपास के गांवों के विद्यार्थी पढ़ने के लिए रुकते हैं। छात्रावास में पानी व बिल्डिंग की सुविधा नहीं होने की वजह से छात्रों को काफ़ी परेशानियां आती हैं। जब पानी की व्यवस्था नहीं है सही, तो उसकी वजह से स्कूल जाते समय क्या क्या समस्याएं आती हैं? हमारे लिए बहुत समस्या आती है। हम सुबह जल्दी जगते हैं, इसलिए पढ़ाई भी नहीं हो पाती हमारी। मतलब सुबह नहाने के लिए ताल बजाना पड़ता है। ये छात्रावास में कितने समय से रह रहे हो? इस छात्रावास में मैं 22 जुलाई से आया मैडम। यहाँ पे रहते समय आपको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? और समस्या तो वैसे खाना पीना सब सही मिल रहा है, और तो कोई समस्या नहीं है। पानी की जरूर थोड़ी समस्या है, क्योंकि टंकी में पानी नहीं आता, पाइप टूटे पड़े हैं। पाइपलाइन समाज कल्याण के लिए बनाई थी। समाज कल्याण का ही बजट आया, समाज कल्याण ने बोरिंग लगवाई है, केवल उनका तो मतलब यह है करना लगाई है, और वो ऐसा समाज कल्याण। तो इसमें क्या हो गया? अवैध कनेक्शन कर दिए। अवैध कनेक्शन दे दिया, अभी हम पानी चिंता नहीं, प्रेशर नहीं बनेगा तो पानी नहीं चढ़ता है प्रेशर वगैरह। एक तो पहली बात तो शहर से इतनी दूर है कि छात्रावास स्कूल के लिए बच्चों को 5-6 किलोमीटर आना पड़ता है, और दूसरी बात की वहाँ बिल्डिंग की पूरी व्यवस्था नहीं है। विंडो टूटी हुई पड़ी है, बच्चों को हवा लगती है, गद्दे फटे हुए हैं, और बच्चे इतनी दूर से वहाँ पर रहते हैं गाँव से आकर, उनको पानी नहीं होने की वजह से गंदा पानी पीना पड़ता है। पानी से निजात मिलने के लिए अवैध कनेक्शनों को काटा जाए व क्षतिग्रस्त लाइनों को सही किया जाए। इसके लिए समाज कल्याण विभाग के अधिकारी से संपर्क किया जाए, उनका नंबर है 074-64-251-076। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहड़ के लिए।